महू यार्ड में ये दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर ओंकारेश्वर जो पैसेंजर ट्रेन है ये उसके कोचेस खड़े हुए हैं, बूढ़े हो चुके कोचेस हैं। कोई वेस्टर्न रेलवे का है, कोई उत्तर पश्चिम रेलवे का है, कोई ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। झाड़ियों के बीच में अब चूँकि बेकाम हो गए हैं, अब इनको पटक रखा है, जल्द ही इनको डिसमेंटल किया जाएगा। चूँकि इसको भेजेंगे भी कहाँ, मैक्सिमम जो जगह MG लाइन ख़त्म हो गई है। ये आप देख रहे हैं महू यार्ड में, देखिए पूरी मिट्टी मिट्टी यहाँ पे फैली हुई है, पटरियाँ पड़ी हुई हैं। दीवार इतनी सी पता नहीं क्यों बनाई होगी रेलवे ने, आइडिया नहीं। यहाँ पे कभी MG की पटरियाँ हुआ करती थी, यहाँ की गिट्टी बता रही है ये। MG की लाइन देखिए, कितनी ज़मीन है दोस्तों, ये आप देखिए महू में काफ़ी ज़मीन है। अगर ये सब झाड़ झंगाड़ जब हटा दिए जाएंगे, जिसकी यहाँ पे एटलीस्ट यार्ड सेक्शन में कोई ज़रूरत नहीं होती, तो काफ़ी ज़मीन यहाँ पे मिल सकेगी। ये कोच की हालत देखिए दोस्तों, इसका कलर पूरा उखड़ने लगा है। ये बैलेस्ट के लिए जो कोच यूज होता है, ये MG की डेमो का जो रैक है ये अभी भी यहीं पे जसका तस खड़ा हुआ है दोस्तों। आपको पहले मैंने एक डिटेल वीडियो पूरा इस पर ये बनाया था कि इस तरह की जो डेमो ट्रेन है, मीटर गेज की पहली जो डेमो ट्रेन है, वो इंदौर से महू के बीच में चला करती थी, बाद में इसे गुजरात भेज दिया गया। इसे ये रैक जो है ये महेसाणा तारंगा हिल महेसाणा के रूट पर चलती थी, अब चूँकि वो रूट शायद ब्रॉड गेज हो गया होगा तो इस रैक को यहाँ भेज दिया गया है। आप देखिए दोस्तों कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उधर 11, बहुत ज़्यादा लाइन है दोस्तों। ये क्रेन खड़ी हुई है दोस्तों, ये जब पूरा BG में कन्वर्ट होगा तो दोस्तों क्या दृश्य होगा आप देख सकते हो, आप खुद सोच सकते हैं। ये टर्न टेबल है, ये आपको दिखाई थी मैंने पहले, यहाँ पे MG के जो लोको हैं वो सुस्ता रहे हैं,
डीजल सेट हूँ। ये दोस्तों तीन शेड हैं मैं बहू में, एक दो ये जिसकी ज़्यादा हाइट है वो तीसरा ये। यहाँ पे जो है यहाँ बहू में लोगों के मेंटेनेंस की सुविधा है। ऐसा बताते हैं कि जो सबसे पहला है मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो कि कम हाइट का है, वहाँ पे जो है वो स्टीम लोको मेंटेन होते थे, फिर बाद में ये डीजल इंजन के लिए और ये दूसरा डीजल इंजन के लिए बनाया गया था। दो लोको खड़े हुए हैं, भीतर भी आपको एक लो जो डीजल लोको है एल्को वो आपको YDM4 यहाँ पे आया हुआ है। देखिए आप इसके पत्थर बता रहे हैं दोस्तों कि ये कितना पुराना है। देखिए ये कितनी हाइट पे इसकी ये पिट जो है वो पूरी बनी हुई है। ये दूसरी तरफ का मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बाद में बनाया गया शेड ये। देखिए क्रेन वगैरह लगी हुई है, ये सब मोटरें रखी हुई हैं इंजन की। अभी तो पूरा कबूतरों का डेरा है क्योंकि दोस्तों ये सब पूरा बंद है,